तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से बात की, वो एयरपोर्ट पर हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से गोरखपुर जाते हैं, हम खाली होकर बात करते हैं। हमारे हाथ में होता था भैया हम नियुक्ति पत्र बांट लेते थे। हम सभी लोग अलग अलग, पार्टियां सबकी अलग अलग है, ये बच्चे तो भाई किसी दल के हो सकते हैं, इनका तो मकसद एक है नौकरी, नौकरी इनका मकसद एक है, तो ये अपने मकसद के लिए। तो उस समय अगर कोई नेता राजनीति करता है कि नहीं हम इसको जिंदा करेंगे ऐसे करेंगे, तो वो उसकी भूल है। मैं तो कहता हूं कि ये बैठे हुए लोग हैं, आप लोग गवाह हो, मैं सत्ता में नहीं था तो चार बार इन्हीं सब मामलों को लेकर मिला था, अलग अलग टीम इनकी है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हाई कोर्ट में जितने लोग पटीशन दाखिल किए हैं सबको एक साथ बैठा लो, जो हमारे एजी हैं, जलजी हैं, उनको बैठा लो, एजी को बैठा के बात कर लो, अगर जो तय कर लें हम मानने को तैयार हैं। हम भी महसूस कर रहे हैं कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, मुख्यमंत्री तैयार हुए, हम वहां जाके बात कर रहे हैं, आके यहां कर रहे हैं, दूसरे दिन दू गौरव रीट दाखिल हो गई, तो चार बार के बाद हम भी बैक हो गए थे। ये लोगों को पता भी होगा, मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया कि कई तरह के धरना देने वाले लोगों, तो खैर जो बीत गई बात, अब तो जो इस समय का माहौल है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकार भी कटिबद्ध है, हम लोग भी तैयार हैं, सरकार के अंग हैं, तो हम लोग भी अभी जैसे इन लोगों ने कहा कि नहीं अभी बात करिए, तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से बात की, वो एयरपोर्ट पर हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम शाम को मैनेज करके आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि अवस्थी जी से बात कर लीजिए, उन्हीं के साथ है मुख्यमंत्री के, मैंने फोन किया तो मीटिंग में बैठे हैं, तो धीरे धीरे अपना उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से गोरखपुर जाते हैं, हम खाली होकर बात करते हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमारे पास जितना पौरुख का क्षमता है उतना पौरुख क्षमता से हम इनकी मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है भैया, ठीक है। जो हमारे यहाँ आए थे इनका कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले का अनुपालन जल्दी हो, इनका डिमांड था। तो हमने कहा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इस पे चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, इन लोगों की डिमांड हुई कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, तो हमने कहा कि पांच नाम हमको दीजिए, तीन महिला दो पुरुष, हम मिलवा देंगे, तीन दिन हम है नहीं। इन लोगों ने कहा कि नहीं हमको आज ही मिलवा दीजिए, हमने कहा कि रुको अभी हम, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की तो वो दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि शाम तक हम मैनेज करके बताते हैं। उन्होंने कहा कि अवस्थी जी से बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, तो उनसे बात किया तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा है, उसके बाद वो गोरखपुर जाएंगे, तो गोरखपुर से फिर अब शाम को जैसा होगा वैसा इनको हम बताएंगे। ये सभी दल के लोग कह रहे हैं हम न्याय दिलाएंगे, हम तो सरकार में हैं, न्याय देना सरकार का काम है, सरकार का काम जो है सरकार कर रही है, कार्रवाई हो रही है, ये भी चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कल मुझसे इस बात पे चर्चा हमारी की विस्तृत हुई। जब कल मैंने मुख्यमंत्री जी से इसी संबंध में वार्ता कि माननीय मुख्यमंत्री जी 69,000 वाले मामले में फिर बच्चे धरना शुरू किए हैं, जगह जगह मारपीट पुलिस के द्वारा हो रहा है, बच्चे हट नहीं रहे तो पुलिस भी अपना भाई हटाने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कह चुका हूँ, हम के पंडित जी कहे तो आप हैं, मैं भी सुना हूँ, बयान भी आपके आए हैं, अब ये पूरा हो। तो उन्होंने कहा मैंने अधिकारियों से कह रखा है कि जल्दी इसको करो, उन्होंने कहा कि उम्मीद कब तक करें, क्या हम लोग बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था नियुक्ति पत्र शायद हमको अंदाजा कि वहाँ हम लोग कई मिनिस्टर थे, इस बात को लेके जिस दिन आप लोग माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ गए थे
आप लोगों को जब वहां से जो मैंने टीवी में देखा तो मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात, हमने कहा कि आपके यहाँ लोग गए थे तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं तो उनके हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, उनको लंबी लड़ाई लड़े हैं। हाईकोर्ट का आदेश है 3 महीने का जो टाइम है, 3 महीने के अगर मुख्यमंत्री से मंच पे इस पे बात करके टाइम दे देंगे, आप हमको नंबर दे दो, ठीक है, लिखाना, हम उनसे बात करके 5 लोगों को आप हमको नाम हमारा नंबर लिख लो, हमें हम लिख के दे देते हैं, ठीक है, हम प्रयास करेंगे। हमारे